हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। पेपर फर्स्ट है। इससे पहले मैंने 23 1 to 23 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 24 से 50 तक, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चन है तो हम थोड़े थोड़े करके सॉल्व कर लेंगे, नहीं वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऑप्शन वाइज, तो क्वेश्चन जो भी वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो उसको आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2021, 2020 और 2021 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, क्योंकि पुराना पेपर है तो पुराना डाटा पूछा हुआ है, तो वो कितना था? 313 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाता करेक्ट, बट अगर प्रेजेंट की बात करें 23 और 24 की, ठीक है, तो इस समय कितना है? 328.8 मिलियन टन। ठीक है, ये प्रेजेंट का डाटा है, 328.8 मिलियन टन 2023 और 24 का डाटा है। देन क्वेश्चन नंबर 28, एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मेनली एम्स टू बेनिफिट। जो एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी है, इसे हम आगे जैसे क्या है कि एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में से MSP हमारा हो गया, ठीक है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। ठीक है, तो उसका मेन एम क्या होता है, किसके लिए बेनिफिट होता है? फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए, मिडिल मैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या गवर्नमेंट के लिए? तो जाहिर सी बात है किसके लिए होगा? फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, पूछ सकता है, फार्मर को प्रोटेक्ट करना, जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन को क्या करना, इनकरेज करना। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, प्रोटेक्ट द फार्मर्स टू इनकरेज द प्रोडक्शन, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं 2-3 बता देता हूँ। और तीसरा है प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। MSP के अंदर 22 क्रॉप आती है, प्लस एक क्रॉप जो कि फेयर एंड रेम्यूनेटरी FRP पर आती है। ठीक है, तो टोटल 23 क्रॉप्स हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं LPG। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला होता है? मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन और इथेन, और प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मेनली जो इसमें 3-4 गैसेस भी मिली होती है सबका, हमारा आइसोब्यूटेन भी होता है, ब्यूटाइन भी होता है, बट मेनली जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो मिक्सचर पाया जाता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन। अब देखिए, ये हमारा जो मिक्सचर है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कहीं कहीं पर आपका LPG में सिर्फ प्रोपेन पाया जाएगा, कहीं कहीं पर दोनों का मिक्सचर पाया जाएगा, या कहीं कहीं पर सिर्फ ब्यूटेन मिलता है LPG में। ठीक है, तो एक कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है किस कंट्री में किस प्रपोर्शन में क्या कितना प्रोपेन या ब्यूटेन यूज़ किया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 35% प्रोपेन यूज़ होता है और रिमेनिंग 65% ब्यूटेन यूज़ होता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इंडिया, ये किस में है? इंडिया में। अदर कंट्री की हम बात करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड की बात कर लें, तो न्यूजीलैंड में 60% यहाँ पर 60 और 35 का रेशियो चलता है, जहाँ पर 60 और 40 का रेशियो चलता है, जहाँ पर 60 आपका प्रोपेन मिलेगा और 40% आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्यूटेन। वहीं पर अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ पर आपका जो LPG है वहाँ पर 100% प्रोपेन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा? 100% प्रोपेन। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि इंडिया में जो मिक्सचर है वो 35 और 65 के रेशियो में है, 35% प्रोपेन एंड 65% ब्यूटेन, और ऑस्ट्रेलिया और US में 100% प्रोपेन। तो ये चीज़ें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 29, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन, कितना परसेंट जो एनर्जी है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक फूड चेन में ट्रांसफर होती है? तो ये होती है 10%, जिसे 10% रूल के नाम से भी जानते हैं। रिमेनिंग जो एनर्जी होती है वो हमारे बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन हमारा हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन या फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वहाँ पर यूज़ हो जाती है। तो 10% एनर्जी या 10% हमारा वो रूल एक, ठीक है, 10% रूल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में।
देन क्वेश्चन नंबर 26, मोर क्रॉप पर ड्रॉप इज अ स्लोगन फॉर विच अमोंग द फॉलोइंग स्कीम। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पार्ट वन में आया था, शायद 3 या 4 क्वेश्चन नंबर था, याद नहीं मेरे को, ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड, तो वहीं से रिलेटेड ये भी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप और हर खेत को पानी, ये दो मोटो थे, ये दो स्लोगन थे जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थे, ठीक है। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप इज अ स्लोगन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इतना चीजें याद रखना है। तो आप लोगों को कमेंट में इसमें बताना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई, ठीक है, कब लॉन्च की गई ये आपको बताना है। इसका ऑलरेडी मैंने इसको आंसर किया था पार्ट वन के वीडियो में, तो आप पार्ट वन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और देन इसके बाद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हमारी 2016 में लॉन्च हुई, ठीक है। ज़्यादातर आपसे लॉन्च डेट ही पूछता है कि कब ये चीज़ें लॉन्च हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई हम अपनी, 2016 में, ठीक है। इसके बाद है PKVY, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना विकास, सॉरी विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये कब लॉन्च हुई, 2015 में, ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉयल हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना का जो मेन एम था वो कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और सॉयल हेल्थ है उसको प्रमोट करना। देन क्वेश्चन नंबर 30, द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड की गई, 2010 में, 2005 में, 2000 में या 2008 में, तो ये इस्टेब्लिश कब की गई, 28 जुलाई 2000, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 28 जुलाई 2000 में, जिसे हम लोग NAP न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, NAP वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, बोथ आर सेम। देन क्वेश्चन नंबर 27, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द चिपको मोमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चिपको मोमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। चिपको मोमेंट स्टार्टेड बाई सुंदर लाल बहुगुणा, नाम याद रखना है, इन 1973 टू कंजर्व सॉयल, कहीं कहीं पर आपको 74 भी मिलेगा और 73, ठीक है। चिपको मोमेंट स्टार्टेड बाई सुंदर लाल बहुगुणा, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया, टू कंजर्व, किसके कंजर्वेशन के लिए, तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, मीन्स जो हमारा चिपको मोमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो एक उत्तराखंड में एक विलेज है, रेनी विलेज, ठीक है, रेनी विलेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इन घरवाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रेनी विलेज इन घरवाल, जहाँ से हमारा चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बाई सुंदर लाल बहुगुणा, ये सुंदर लाल नहीं, यहाँ पर सुंदर लाल है, ठीक है, LAL, सुंदर लाल बहुगुणा। देन क्वेश्चन नंबर 31, टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाई AG टेंसली, EP एडम, चार्ल्स एल्टन या लिंडमैन, तो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, AG टेंसली के द्वारा, ईयर पूछता है 1935 में, 1935 में AG टेंसली द्वारा जो टर्म इकोसिस्टम है वो क्वाइन किया गया। प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पर 1 to 23 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, अमृत सागर इज एन इम्पॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ, जो अमृत सागर एक इम्पॉर्टेंट कल्टीवार, एक वेराइटी है किस चीज़ की, बेल की है, मैंगो की है, बनाना की है या गुआवा की है, ठीक है, तो अमृत सागर किसकी इम्पॉर्टेंट वेराइटी है, बनाना की, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम लोग दूसरे भी नाम से जानते हैं, सागोर के नाम से, SAGOR, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, सागोर, अमृत सागर को दूसरे किस नाम से जानते हैं, सागोर, जो कि बनाना की एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है। देन क्वेश्चन नंबर 36, वॉट इज़ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, देखिए डाटा क्या है, पुराना है, तो पुराना डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर 136, जिस समय यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था जब पेपर कंडक्ट हुआ था उस समय 136 थी, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें, अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की इंक्रीज हुई है, 2022 और 23 का जो डाटा है, ठीक है, 22 और 23 में वो थी 141.6%, ठीक है। आप लोगों को बताना है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है,
ठीक है, आपको स्टेट का नाम बताना है। पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कौन से स्टेट है जहाँ पर कॉफी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा है, तीन नाम मैंने वहाँ पर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 33, आउट ऑफ टोटल 35 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हाउ मेनी आर लोकेटेड इन इंडिया। टोटल 35 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कितने हैं 35। अब उसमें से कितने इंडिया में अवेलेबल हैं, तो इंडिया में चार, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, इंडिया में चार अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पर, द हिमालय, ठीक है, इस रीजन में कुछ आपको देखने को मिलते हैं, दूसरा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, देन इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन, देन नॉर्थ ईस्ट टाइप जो हो गया आपका, देन उत्तर सुंदरलान, ठीक है, सुंदरलैंड, ये आपका हो गया। तो चारों आपको याद रखना है, कितने हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, चार, हिमालयन, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन टीलेज ऑप्शन, इनमें से कौन है जो कि कंजर्वेशन टीलेज ऑप्शन नहीं है। कंजर्वेशन टीलेज मतलब या तो मिनिमम टीलेज या बिल्कुल टीलेज नहीं होगी जहाँ पर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया, जीरो टीलेज मतलब, ठीक है, पूछा है कि नहीं है, है तो वाला जीरो और मिनिमम दोनों हो जाता कंजर्वेशन टीलेज, बट पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर पूछता यहाँ पर नॉट हटा देता तारा तब आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होता करेक्ट होता, बट पूछा कि जो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्लीन टीलेज। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर इज अ मेजर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, इनमें से कौन है जो कि नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। और जैसे माइनिंग आपका हो गया, ये भी हमारा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इन सीटू एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें से कौन है कि इन सीटू एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है। इन सीटू का मतलब क्या हुआ, एक होता है एक्स सीटू, ठीक है, एक्स सीटू, इन सीटू, ठीक है, इन एक्स सीटू में आप बाहर से कोई चीज लेकर आ रहे हैं, इन सीटू में वहीं पर आप कोई चीज को ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा हमारा हो गया ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग और ग्रीन, अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज, आपको अगर देखेंगे तो दो चीज़ों में, ग्रीन मैन्यूरिंग और ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में कंफ्यूज होंगे, दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा, तो ग्रीन मैन्यूरिंग हमारा इन सीटू है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग एक्स सीटू है। क्यों, क्योंकि ग्रीन मैन्यूरिंग में जहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ढैंचा, तो ढैंचा को जहाँ हमने ग्रो किया वहीं पर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में क्या करते हैं, कहीं बाहर से हम लीव्स लेकर आते हैं और फिर दूसरे फील्ड में डालते हैं, वहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो हमारा ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग इज अ इन सीटू एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, इन सीटू मतलब उसी प्लेस पर जहाँ पर वो चीज़ है वहीं पर आपको वो क्या है वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो वो इन सीटू हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर फॉर्मेशन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन के लिए कौन से रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होती है, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर किसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन इंडिया साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, इंडिया में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं वो कब देखने को मिलते हैं, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो देखिए जून जुलाई में भी देखने को मिलते बट दैट आर नॉट मच सीवियर एज कम्पेयर टू अप्रैल में और अक्टूबर दिसंबर, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, मीन्स अप्रैल में देखने को मिलते हैं और अक्टूबर और दिसंबर में भी देखने को मिलते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, जून जुलाई उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी सॉयल पैरामीटर्स हैव बीन टेकन टू डेवलप सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल पैरामीटर्स में कितने, सॉयल जो हेल्थ कार्ड है उसको डेवलप करने के लिए कितने पैरामीटर्स लिए गए, 4 पैरामीटर्स, 8 पैरामीटर्स, 12 या 16 पैरामीटर्स, ठीक है। तो सॉयल जो
हेल्थ कार्ड है उसको डेवलप करने के लिए टोटल 12 पैरामीटर्स लिए गए। कितने? 12 पैरामीटर्स लिए गए। कौन कौन से? पहला तो आपका एनपीके हो जाएगा, लिख देता हूँ एनपीके। इसके बाद आपका सॉयल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, इनको एसएम डिनोट कर देते हैं, ठीक है, सॉयल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारा जेडन हो गया, एफई हो गया, ठीक है, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन। उसके बाद आपका सॉयल सैलिनिटी आ जाएगा, ठीक है, सॉयल सैलिनिटी। सॉयल सैलिनिटी के बाद और क्या आ जाएगा? पीएच, आपका सॉयल पीएच आ जाएगा। देन सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक कार्बन कह दीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो आपका कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 पैरामीटर्स आपको सॉयल हेल्थ कार्ड को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलेक्टिव हॉबी साइट। इनमें से कौन है जो कि सेलेक्टिव हॉबी साइट नहीं है? 2,4-D, सेमाजिन, पैराक्वेट, बूटाक्लोर, ठीक है। तो पैराक्वेट हमारा क्या है? सेलेक्टिव नहीं है। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये हमारा कैसा है? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, द बेस्ट सॉइल टेम्परेचर फॉर फेवरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इज। जो सॉइल बेस्ट स्ट्रक्चर टेम्परेचर, सॉइल स्ट्रक्चर पूछा, ठीक है, जो बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर होगा फॉर फेवरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगा? क्रम्बी एंड ग्रेनुलर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, एट विच पीएच बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज फाउंड। जो अगर प्लांट के ग्रोथ के लिए जो बेस्ट पीएच है वो कितना होता है? 4 से 5, 5 to 6, 6.5 to 7.5 या 8 to 9। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 6.5 से 7.5 इज बेस्ट पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अभी आने वाला है ASCO के लिए, ठीक है, SEO भी थोड़े दिन में आने वाला है, तो उसके लिए हम PDF प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसको आप कॉन्टैक्ट नंबर है 7905601596, ठीक है, इस पर आप WhatsApp कीजिएगा। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? पेड PDF, देखिए पेड रहेंगी, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर की भी PDF, सेमेस्टर के भी प्रिपेयर करना मैं शुरू कर रहा हूँ, तो PDF आपकी पेड रहने वाली है, तो आप परचेज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी और क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक रहेंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है हितेश एजी, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बट अभी सुने में आया था कि बंद हो जाएगा टेलीग्राम, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी हितेश एजी के नाम से बनाया, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। तो PDF परचेज करने के लिए आप इस पर ट्राई, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7905601596 व्हाट्सएप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंक्रीजिंग नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, स्ट्रेंथनिंग द होस्ट, कीपिंग द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इंजरी लेवल, या बिलिंग द पेस्ट। कौन सा इसमें मेन एम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का? सो ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इंजरीज लेवल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। मेन एम किसका है? IPM का। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री वीड। इनमें से कौन है जो कि मिमिक्री वीड का एग्जाम्पल है? ग्रीन ग्राम, आर्जेमिन ग्रीन ग्राम। मतलब आपने कहा है कि एक वेराइटी में दूसरा वेराइटी अगर आपको आ गया है तो वो कैसा होगा? आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कोई एक वेराइटी लगी है ग्रीन ग्राम की, और उसमें किसी दूसरे वेराइटी का एक सीड आ गया है या प्लांट आ गया है एक फील्ड में, तो वो किस प्रकार का वीड होगा, ठीक है, क्या मतलब उसे क्या कहेंगे? आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना है। देन तो इसका हो जाएगा मिमिक्री वीट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फेलरिस माइनर इन वीट क्रॉप। मिमिक्री का मतलब क्या हो गया? जो कि स्ट्रक्चर में, फिनोटाइप में सेम आपका क्रॉप के जैसा दिख रहा है, मिमिक करता है, ठीक है। जैसे मिमिक्री क्या होती है कि आप सेम एक्ट करते उसी के जैसे, तो वैसे ही फेलरिस माइनर इन वीट इज एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री वीट। क्वेश्चन नंबर 43, द डिग्री टू विच सॉयल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इज टर्म्ड एज। फील्ड कैपेसिटी, कैपिलरी कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी या फ्रेबिलिटी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई?
इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1976। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, ICR NBVS LPU हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नागपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मीडिया फिलअप आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी हमने ऊपर लिख दिया है 7905601596। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ।